हेलो दोस्तों, आज हम पीडीएफ को एडिट करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गूगल का क्रोम ओपन करना है, उसके बाद हम उसमें सर्च इंजन में लिखना है पीडीएफ टू वर्ड। पीडीएफ टू वर्ड लिखते हैं हमारे सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे पास ये विंडो खुलेगी। विंडो खुलने के बाद हम चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल में जैसे कि हम ये कोई भी फाइल उठा लेते हैं यहाँ पर, इसके बाद ये अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद अभी ये कन्वर्ट हो जाएगी। इससे आप किसी भी प्रकार के पीडीएफ को आप एडिट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन आते हैं कन्वर्ट टू वर्ड, जैसे हमें कन्वर्ट टू वर्ड करना है, इस पर क्लिक करा, चूज ऑप्शन किया, अभी ये कन्वर्ट हो रही है। अब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, ये हमारे पास डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड में ये हमको यहाँ पे दिखा देगी ITR फॉर्म। अब हम इसको हमारे पास एक, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें WPS ऑफिस हमारे फ़ोन में होना चाहिए। तो इसलिए हम पहले, मैंने अपना WPS ऑफिस डाउनलोड करा हुआ है, तो हम इसको WPS ऑफिस में ओपन करेंगे। WPS ऑफिस में ये ओपन हो गए, उसके बाद हम कोने में देखेंगे एडिट का फीचर आ रहा है, ये एडिट मोड हो गया। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें हम जैसे ये इस पर क्लिक करते ही इतने सारे ऑप्शन खुल गए, यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पे लैंडलॉर्ड को हटाना है, तो यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे ये कर दिया फॉर एग्जांपल, इसके बाद डन कर दिया। डन करने के बाद क्या करना है हमें, इस पर क्लिक करके यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है इसमें सेव हो जाएगा, ये हमारा सेव हो गया। उसके बाद हमें इसमें इमेज में सेव करना है इसको, या फिर से पीडीएफ में सेव करना है, तो यहाँ पे हम सेव एज ए पीडीएफ करेंगे, तो ये फिर से एक पीडीएफ बन जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।